हेलो गाइस, निसान की टेरानो गाड़ी है, 2014 का मॉडल है, डीजल गाड़ी है। इसका एयर डायरेक्शन स्लेब जो आप देख रहे हैं, इस साइड प्रॉपर चल रहा है, लेकिन इस साइड प्रॉपर बटन नहीं आ रहा है। इसका रीजन क्या है कि यहाँ से तो कुछ तो अंदर से कंट्रोल पैनल में से कुछ स्लिप हो गया है या फिर कुछ निकल गया है। चलो हम इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर एक्चुअली हुआ क्या है, फिर हम आपको दिखा। ये यूनिट खोल रहे हैं हम, इसको खोलना ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, आप इसको इजीली आगे खींचेंगे, इसमें लॉक रहता है तो ये प्रॉपर निकल जाता है। और इसके अंदर एक 4 इंडिकेटर की सॉकेट रहती है, ये खोल देने का, और ये सॉकेट रहती है, ये दोनों खोल देने का। ये खोलने के बाद ये जो स्क्रू दिख रहा है, 1-2 ये स्क्रू हम खोलेंगे। ये स्क्रू खोलने के बाद फिर देखेंगे कंट्रोल पैनल में एक्चुअल हुआ क्या है, तो यहाँ के बटन अटक जाता है। लो गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ का स्क्रू एक ये और एक ये खोल दिया। खोलने के बाद आप देख रहे हैं ये इसका एक नॉब रहता है, ये अंदर से नॉब से अपनी जगह वो छोड़ दिया है, छोड़ के मतलब 2-3 थ्रेड आगे आने की वजह से ये प्रॉपर यहाँ नहीं आ पा रहा था। इसकी वजह से ये बटन पूरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, अभी प्रॉपर हो चुका है। मैंने इसको स्क्रू ड्रावर से स्लाइड करके अपनी पोजीशन में लेके आ चुका हूँ इसको, अभी ये प्रॉपर चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ तक आ रहा है, अभी सामने पूरा रोटेशन हो रहा है अभी, तो ये अभी प्रॉपर हो चुका है। आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो आप भी कर सकते हैं ऐसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।